हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम। यूपीपीएससी स्पेशल श्योर सिलेक्शन क्लास, जहां पर नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के रैंडम एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं और हर एमसीक्यू में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर पुट किया जाता। बच्चों, फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों को सच में जो पढ़ना चाहते हैं उनको इस क्लास का बेनिफिट जरूर मिले। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें, जहां पर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स श्योर सिलेक्शन क्लास का पार्ट सिक्स हम पढ़ने वाले हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें हकीकत में बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उनको हकीकत बनाने के लिए मेहनत जरूरी होती है। खुली आंखों से सपने देखे जरूर जाते, बट पूरे तभी होंगे जब उस सपने को सपने की तरह जियोगे और शिद्दत से उस सपने के टूवर्ड्स अपने हार्डवर्क को बनाए रखोगे। शुरुआत हर कोई कर सकता है, स्टार्ट हर कोई कर सकता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे बड़ी टास्क होती है। हम बहुत बार शेड्यूल बनाते हैं कि मैं डेली 5 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, रूम के अंदर बड़े बड़े टाइम टेबल बना के हम लगा देते। क्या हम उसको पूरा कर पाते हैं? हमें लिखा सुबह 6 बजे मेडिसिन पढ़ना है, 10 बजे पीडिया पढ़ना है, 12 बजे रिसर्च पढ़ना है। क्या हम उस शेड्यूल को फॉलो कर पाते हैं? यदि हम उस शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। तो इसलिए शुरुआत हर कोई कर सकता है, बट अंत एंड वही करता है जिसके सपने को पूरा करने का जुनून होता है। तो मैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें हकीकत में बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी होगी। ओके, फाइन। आज के सेशन का पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने, जहां पर मैंने लिखा बच्चों, एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट इज लाइकली टू डेवलप। ओसीडी का पेशेंट, ओसीडी का पूछ रहा हूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट इज लाइकली टू डेवलप। क्या डेवलप हो सकता है पेशेंट को? मैंने क्लियर मेंशन किया है, एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट इज लाइकली टू डेवलप। ऑप्शन देखिएगा, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन बच्चों, इसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन, देन डिल्यूजन, डिल्यूजन, देन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया। क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, 4 ऑप्शन में लिखा, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, डिल्यूजन, डिल्यूजन जिसको हम कहते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, और सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया। तो क्विक आंसर पुट करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सविता, क्विक आंसर पुट करिएगा कि ओसीडी किसी पेशेंट को है तो क्या डेवलप हो सकता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी पेशेंट को है तो क्या डेवलप हो सकता है? मैं हिंट देता हूं, ओसीडी में क्या होता है। जैसे आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, आपने अपने रूम का लॉक लगाया और लॉक लगा के चल दिए, फिर दिमाग में आया कि अरे यार लॉक शायद लगा नहीं है, फिर गए लॉक को पकड़ा, खींचा, फिर चल दिए, 4 स्टेयर उतरने के बाद फिर वापिस आए, फिर पकड़ा, फिर खींचा। दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और लगातार ये कंडीशन यदि प्रेजेंट है तो पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों? पेशेंट को क्या हो सकता है? डिप्रेशन। बहुत बढ़िया, ऑसम। देखिए, और डिप्रेशन वर्ड कई बार आता है, डिप्रेशन को मीनिंग होता है सैडनेस, सैडनेस ऑफ मूड, सैडनेस ऑफ मूड। एग्जैक्टली डिप्रेशन ऑफ मेनिया को हम मूड डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं, डिप्रेशन ऑफ मेनिया दोनों मूड डिसऑर्डर है। तो सैडनेस ऑफ मूड जो है, इट प्रेजेंट लास्ट मंथ, कई महीनों से हो सकता है, कई ईयर से हो सकता है, कई वीक से हो सकता है, दैट कंडीशन वी कैन से डिप्रेशन। तो एग्जैक्टली सिंपल मीनिंग हम बात करें डिप्रेशन का, मतलब सैडनेस ऑफ मूड होता है बच्चों। लगातार यदि आपको ओसीडी है तो ओसीडी की वजह से आपके ब्रेन के अंदर
अनवांटेड चीजें चलती रहेगी और यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द डिप्रेशन, और डिप्रेशन होंगे तो क्या होगा, सुसाइडल आइडियाज आएंगे, और सुसाइडल आइडियाज आएंगे तो क्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो एक हंसता खेलता पर्सन अपनी जिंदगी से क्विट कर लेता है। इसीलिए डिप्रेशन कॉमनली होता है ओसीडी वाले पेशेंट को। मलिका, मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद ओसीडी डेवलप सेकेंडरी डिप्रेशन। एक होता प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है डायरेक्ट कॉज रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी का मतलब होता है अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जहां सेकेंडरी वर्ड आता है दैट मीन्स अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज डिप्रेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैं और हिंट देता हूं सेकेंडरी का मीनिंग क्या। देखिए, जब हम प्राइमरी वर्ड कहीं पर भी पढ़ते हैं, प्राइमरी वर्ड कहीं भी पढ़ते हैं तो याद रखना डायरेक्ट कॉज रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्ट जो है वो कॉज रिस्पॉन्सिबल होगा। जब हम सेकेंडरी वर्ड कहीं पर भी पढ़ते हैं तो आपके बॉडी के अदर डिसऑर्डर, आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, अदर डिसऑर्डर है, और उसकी वजह से यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। आपको पहले से प्रॉब्लम क्या था बच्चों, आपको ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको ऑलरेडी था, और उसके अलावा उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम कॉज हो गई जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। दैट इज अ सेकेंडरी, दैट इज अ सेकेंडरी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्राइमरी मींस द फैक्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज, और सेकेंडरी का मतलब योर अदर बॉडी डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज। दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल आर द लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। मैंने यहां पर चार रूट का नाम पुट किया। ऑलमोस्ट वी क्रॉस मोर देन 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बच्चों एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्लास को वॉच करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो बनता है बच्चों। डू इट एवरीबडी राइट नाउ, डू इट एवरीबडी, शाबाश, ग्रेट, दैट आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कीप इट अप, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, धमाका कर दो बच्चों एक बार, फिर क्लास को कैरी ऑन करते हैं। शुक्रिया अर्चना यादव, वर्षा, प्रियंका, नेहा, जितेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, दिव्या साहू, शुक्रिया। देखिए मैंने कहा था सभी जो है लोकल रूट है, एक को छोड़ के मैंने यहां पर लिखा बच्चों टॉपिकल, टॉपिकल फॉर ये आपका स्किन है, और यहां पर हमने कोई ऑइंटमेंट को अप्लाई किया That we can say local area, ये हो गया topical। फिर लिखा इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट में, इन टू द जॉइंट। कोई भी ड्रग को हम पर्टिकुलर जॉइंट में एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर। डेफिनेटली हम जॉइंट में पुट किया तो ये भी लोकल हो गया, ये भी लोकल हो गया। देन लिखा बच्चों ऑरल, ऑरल, और उसके साथ लिखा इंट्रा आर्टीरियल, इन टू द आर्ट्री, इंट्रा आर्टीरियल इन टू द आर्ट्री। अब आपको आंसर पुट करना है, कंफ्यूजन जरूर होगा। मैंने कहा था ऑल आर लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट वन पूछा है, एक्सेप्ट वन पूछा है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी आंसर पुट करे हैं, कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं। मैं क्लियर मेंशन करना चाहता हूं सी जिन्होंने लिखा उनका राइट आंसर है, बिकॉज ऑरल रूट से जब भी हम किसी ड्रग को देते हैं तो माउथ से कहां जाता है बच्चों, स्टोमक में, कहां जाएगा स्टोमक में, स्टोमक से कहां जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और कहां पहुंच जाएगा बच्चों लीवर, लीवर से कहां पहुंच जाएगा बच्चों हार्ट, और हार्ट से कहां पहुंच जाएगा टारगेटिंग सेल। मतलब ऑरल ड्रग किसी पेशेंट को आप एडमिनिस्टर करोगे तो पूरा सिस्टमेटिकली जाएगा माउथ से esophagus, stomach, then small intestine, then liver, then heart, then blood, then targeting cell, then targeting cell. तो आपका right answer क्या हो गया बच्चों, that we can say C, that we can say C. Okay, fine. Next question कहता है बहुत important MCQ बच्चों, odd belief. देखिए मैंने हिंदी में लिखा है अजीब विश्वास। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि यार नहीं ये ऐसे कर देगा, ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा दूसरे लोगों के प्रति बहुत सारे लोगों का ओड बिलीफ होता है। ओड बिलीफ का मतलब होता है बच्चों अजीब विश्वास, अजीब विश्वास। ओड बिलीफ, ऑडिटीज ऑफ स्पीच, फैंटेसीज, मैनरिज्म जिसको हम बोलते हैं कल्पनाओं का ढंग, ऑड क्लोथिंग विथ मैजिकल थिंकिंग इज सीन इन विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब अजीब विश्वास करने वाले लोग, अजीब तरह के स्पीच बोलने वाले,
कल्पनाओं से भरे हुए लोग, अलग अलग तरीके कपड़े पहनने वाले लोग, मैजिकल थिंकिंग वाले लोग, ये कौन सी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में आते हैं बच्चों? कौन से टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ध्यान से देखिएगा, मैंने क्लियर मेंशन किया है, क्लियर मेंशन किया है कि ओड बिलीफ, ऑडिटीज ऑफ स्पीच, फैंटेसीज, मैनरिज्म, ओड क्लोथिंग विथ मैजिकल थिंकिंग सीन इन विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? ऑप्शन आपके सामने, स्कीजोइड, पैरानोइड, देन स्कीजोटाइपल और बॉर्डर लाइन। मैं आपको चारों का मीनिंग बताऊंगा बच्चों। इस तरीके के लोग कौन से बिरादरी के होते हैं, इस तरीके के लोग कौन सी पर्सनैलिटी में कंसिडर किया जाता है, जिनका अजीब विश्वास होता है, अजीब तरीके स्पीच होते हैं, कल्पनाओं से भरे होते हैं, अजीब तरीके को कपड़े पहनते हैं, मैजिकल थिंकिंग वो रखते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी व्हाट वी कैन से, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी व्हाट वी कैन से, क्विक पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। अरे मोतीलाल बेटा एंटी सोशियल नहीं होगा, अरे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मैंने यहां पर पुट किया है, स्कीजोइड, पैरानोइड, सीजोटाइपल और बॉर्डर लाइन। मैं चारों का मीनिंग बताऊंगा और अपनी सोसाइटी में इस तरीके के लोग जरूर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। जैसे आपने सुना रणबीर कपूर, रणवीर कपूर एक रणवीर सिंह सुना है, रणवीर सिंह को आप कभी भी देखोगे तो हमेशा अजीबो गरीब मूछे होती है, अजीबो गरीब कपड़े पहनता है, अजीबो गरीब वो एक्ट करते हैं और म्यूजिकल थिंकिंग के साथ बंदा जीता है। और उस तरीके की पर्सनालिटी को क्या कहेंगे बच्चों, उस तरीके की पर्सनालिटी को क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चों ने लिखा बिल्कुल स्कीजोटाइपल, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी जिन्होंने लिखा है स्कीजोटाइपल। डोंट वरी शिवानी यादव, बच्चों मैं चारों पर्सनालिटी आपको बताऊंगा। पहले मैंने मेंशन किया है स्कीजोइड, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ सोशल रिलेशनशिप, इमोशनल कोल्डनेस, मतलब किसी सोसाइटी के लोगों के साथ बात करना, घुल मिल जाना, मिलना पसंद नहीं होता। ऐसे लोग भी अपने आसपास होते हैं, वो लोगों से बात करना, सोसाइटी में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं। मैंने क्लियर लिखा है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ सोशल रिलेशनशिप, इमोशनल कोल्डनेस, इसको स्कीजोइड, स्कीजोइड पर्सनालिटी बोलते हैं बच्चों। आप उनका टैग लग दीजिएगा आज से ही कि जो लोग सोसाइटी में घुलना मिलना, बात करना नहीं पसंद करते हैं। और मैं क्लियर भी मेंशन किया बच्चों, मैंने कहा वो इमोशनली कोल्डनेस, मतलब इमोशन इतना नहीं होता उनका, कोल्डनेस का मतलब दे हैव लैक ऑफ इमोशन। वो कौन से तरफ के लोग होंगे? वो स्कीजोइड पर्सनैलिटी के होंगे बच्चों, स्कीजोइड पर्सनैलिटी के लोग होंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल नागेश, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पैरानोइड, सस्पिशियसनेस, हमेशा ऐसे घूर के देखना कि हाँ जरूर कुछ मेरे बारे में सोच रहे हैं, फिर अपने आप को सस्पिशियस कंडीशन। पैरानोइड, इस तरीके के लोग भी मार्केट में अवेलेबल है बच्चों, ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। और फाइनली मैं लिखा है बॉर्डर लाइन, डिस्टर्ब आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशन, मूड और सेल्फ इमेज, मतलब जो लोगों के साथ आईपीआर बनाना चाहते हैं बट कैन नॉट मेक, मूड और खुद का जो इमेज हमेशा उनको डिस्टर्ब लगता है, मूड जो है वो हमेशा उखड़ा उखड़ा लगता है, और खुद को हमेशा ऐसा लगता है मैं फिट नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, है ना। इस तरीके के जो मार्केट में लोग होते हैं दैट वी कैन से बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। और याद रखिएगा बच्चों, ये डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के लोग हमेशा अलग अलग जगह अवेलेबल होते हैं, तो यू शुड नीड टू बी नो। और मैं हमेशा कहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि आपको एक डायनामिक पर्सनालिटी पर्सन बनना है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूं बच्चों, कैसे आप अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं। सबसे पहले सामने वाली बात को सुनने की आदत डालना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। कोई भी पर्सन आपसे कोई इंटरेक्शन करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी पूरी बात को आप सुने, इन बिटवीन इंटरफेरेंस ना करें और ना ही सामने वाले पर्सन की बात को कट करें, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। तीसरा अच्छे क्लोथ वियर करना। चौथा आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, लोगों के साथ बात करने का तरीका। और पांचवा हॉनेस्टी, डेडिकेशन, पंचुअलिटी टूवर्ड्स योर वर्क, ईमानदारी, टाइम की पंचुअलिटी और हार्ड वर्कर। डेफिनेटली मेनी पीपल दे वॉन्ट बिकम लाइक यू, बहुत सारे लोग ऐसा चाहेंगे कि मैं भी आप जैसा बनूं। उससे पहले आपको बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा बच्चों,
पैदा दुनिया में हर कोई होता है, दो वक्त की रोटी हर कोई खाता, अपनी जिंदगी भी गुजारता, बट याद उन्हें किया जाता है जो सच में दिल से खूबसूरत होता है। दिखावे के लिए किसी की तारीफ मत करो, जो है आप वो रियल रहो, बनावटी मत बनो, झूठे इमोशन मत दिखाओ। व्हाट यू आर यू विल एक्सप्लोर फ्रंट ऑफ पीपल। और ये छोटी छोटी बातें, आप किसी से बात करते हो, तू बोलना बंद कर दे, ए बोलना बंद कर दे, यू शुड रेस्पेक्ट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से पेन मांगना, अरे पेन इधर दे, दिस इज द नॉट द वे, प्लीज कैन यू गिव मी योर पेन फॉर मिनट, क्या मुझे आप अपना पेन दे सकते हैं एक मिनट के लिए? 200% आपको मिलेगा। और किसी को इंसल्ट मत करो, सिर्फ ये जो 60-70 ग्राम की टंग होती है ना बच्चों, इसी का खेल है और दुनिया जीत लोगे आप। ये जो दुनिया में अलग तरीके के लोग होते हैं ना, आप में से उठे हैं, फर्क इतना ही है, वो डेडिकेटेड होते हैं, वो हार्डवर्कर होते हैं, वो पंचुअल होते हैं और अपने सपने के प्रति ईमानदार होते हैं, वो कुछ अलग बनाते हैं। और जो खुद से ही धोखा कर लेता है वो दूसरों को भला नहीं कर सकता। तो छोटी छोटी बातों को अपने लाइफ में पुट करेगा, पढ़ता हर कोई है, नौकरी भी लगेगी बच्चों, बट यदि अच्छी पर्सनैलिटी होगी ना, जिंदगी जीने का मजा तभी आएगा बच्चों। तो मैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस को ये कहता हूं, पढ़ाई के साथ साथ रेस्पेक्ट, इज्जत और दूसरों का भला करना जरूर सीखना, जरूर सीखना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोन मैरो बायोप्सी साइट इन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब 0 से 1 ईयर का बच्चा हम बोल सकते हैं, या फिर 1 मंथ से, एग्जैक्टली 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चों को हम इन्फेंट बोल सकते हैं, इन्फेंट बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स मी एंड जेएनसी, थैंक यू सो मच। बोन मैरो बायोप्सी साइट इन इन्फेंट, इन्फेंट का मैंने पूछा कि वो कौन सा साइट है जहां से बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस, फॉर द बायोप्सी पर्पस। ऑप्शन देखिएगा, टीबिया, फीमा, स्कल बोन, स्टर्नम। क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, मैंने क्लियर मेंशन किया है बोन मैरो बायोप्सी। देखिए, जब भी हम किसी पेशेंट का बायोप्सी के लिए सैंपल लेते हैं तो याद रखना, बायोप्सी क्यों करते हैं? फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, सेल का स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। तो ज्यादातर बच्चों ने अपना आंसर पुट किया टीबिया, क्या बात है बदमाश हो तो, सुपर आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर टीबिया बिल्कुल सही है बच्चों, मैं आंसर को भी राइट करता हूं। और यदि आपसे यहां पूछते अडल्ट में, यदि आपको अडल्ट की बात करें तो थोड़ा सा वेरिएशन है, अडल्ट की बोन मैरो बायोप्सी, बायोप्सी और वी कैन से एस्पिरेशन, एस्पिरेशन साइट पूछे तो आपको आंसर लिखना है पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, अडल्ट का पूछ सकते हैं आपसे, अडल्ट का पूछ सकते हैं कि आपको पूछे कि अडल्ट में बोन मैरो बायोप्सी या इवन वी कैन से बोन मैरो एस्पिरेशन की मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लिखना बच्चों, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। थैंक यू अनु कुमारी, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लिखना बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, जो जे आई एन सी, थैंक यू अंजना, अंजना थैंक यू फॉर डोनेटिंग 29 रुपीज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने क्लियर मेंशन किया है, जे आई एन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर के द्वारा रिलीज किया होगा, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल बच्चों, जिसका प्राइस है 6499। इस कोर्स में बच्चों 1200+ रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है, प्लस कंप्लीट नर्सिंग होगा, प्लस रीजनिंग होगा, प्लस मैथ्स होगा, प्लस जीके होगा, प्लस इंग्लिश होगा, प्लस इमरजेंसी नर्सिंग होगा,
और इमेज बेस्ड होगा। इसके साथ बच्चों यूनिट टेस्ट, इसके साथ बच्चों यूनिट टेस्ट, हर यूनिट के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। और ये कोर्स परचेज करने का सिंपल तरीका है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सीधा लिखना है JINC जोधपुर, और JINC जोधपुर जैसे आप लिखोगे तो JINC जोधपुर का ऐप आपको मिलेगा। और जो बच्चे आईफोन में पढ़ना चाहते हैं वो सीधा www.jinc-jodhpur.com पे जाएं, jodhpur.com जो JINC की वेबसाइट है, यहां पर जाइएगा, बाई कोर्स में जाइएगा, आप इस कोर्स को परचेज करें। कोर्स को परचेज करने के बाद में मेल आईडी से लॉगिन करके स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। वैलिडिटी जो है बच्चों 1 ईयर की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की वैलिडिटी, मतलब ये कोर्स एक बार परचेज करने के बाद नेक्स्ट 1 ईयर तक ये कोर्स आपके पास आएगा। इसी को कहते हैं कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। या आप सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये बेस्ट कोर्स फॉर, मैं हमेशा कहता हूं वन कोर्स फॉर वन नेशन, एक नेशन एक कोर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट विच एज बेबी सिट विदाउट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कौन सी उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट बैठ जाता है, कौन सी उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट बैठ जाता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन आपके पास 2 मंथ की एज में, 4 मंथ की एज में, 6 मंथ की एज में, 8 मंथ की एज में, एग्जैक्टली 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने पुट किया है। व्हाट इज द एज व्हेन द बेबी सिट विदाउट सपोर्ट, बच्चा बिना सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर सकता है। दिस इज द एमसीक्यू लास्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, क्या बात है बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर में 8 मंथ पुट किया है। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, 8 मंथ में। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, 8 मंथ में और क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, एग्जाम के पर्पज ऑफ यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यू शुड नीड टू बी नो एवरी फ्यूचर जनरेशन। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, मैंने एक फोटो यहां पर पुट किया बच्चों, ध्यान से देखना। सिट विदाउट सपोर्ट मैंने आपको बताया 8 मंथ में, और क्या क्या 8 मंथ में हम एग्जाम के पर्पज ऑफ यू से पढ़ सकते हैं। 8 इस तरीके से हम देखें, ये आपका 8 है बच्चों, ये आपका 8 है। 8 पैरासूट बन सकते हैं, इस तरीके से आप 8 को लिखोगे, ऐसा नहीं लग सकता कोई पैरासूट से उत्तर है। याद करने के तरीके बता रहा हूं बदमाश बच्चों को। 8 जो है, जब मैंने यहां पर इमेज बनाया, ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई पैरासूट से उत्तर है, कोई पैरासूट से उत्तर आया तो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पैरासूट रिफ्लेक्स जो है वो 8 मंथ में दैट ऑलमोस्ट अपियर हो जाता है, और जो नेवर डिसअपियर, कभी डिसअपियर नहीं होता है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, याद रखने का तरीका। दिस इज द 8, दिस इज द 8, लुक्स लाइक पैरासूट, लुक्स लाइक पैरासूट, याद रखने का तरीका। और पैरासूट रिफ्लेक्स जो है वो अपियर 8 मंथ में होता है, नेवर डिसअपियर, नेवर डिसअपियर, भूलना मत बदमाश बच्चों कभी भी, याद रखना। 8 मंथ में बेबी सिट विदाउट सपोर्ट आपको बताया, बट और 8 मंथ में क्या क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमें क्लियर याद रखना है। 8 लुक्स लाइक ए पैरासूट, और पैरासूट रिफ्लेक्स अपियर एट द 8 मंथ ऑफ एज, दिस डज नॉट या नेवर डिसअपियर। एक और खास बात, जब बच्चा नीचे गिरता है, जब बच्चा पैरासूट से नीचे गिरेगा क्या चलेगा, दादा मम्मी ऐसी आवाज आती है, मम्मी दादा ऐसा आवाज आता है बच्चों, तो समझ जाना 8 मंथ का बच्चा जो है वो डाइसेलेबल या डिससेलेबल वर्ड जो है वो बिना मीनिंग बोलना शुरू कर देता है। मैंने क्लियर लिखा है, डिससेलेबल जो वर्ड है विदाउट मीनिंग बच्चा बोलना शुरू कर देता है। याद रखने का तरीका, जब पैरासूट से नीचे गिरेगा ना तो चिल्लाएगा ना, दादा मम्मा नाना ऐसा चिल्लाएगा ना, दैट वर्ड वी कैन से डाइसेलेबल्स वर्ड। और ये वर्ड कब बोलने लग जाता है बच्चों, इसकी मीनिंग बच्चे को नहीं पता होता है, दैट वी कैन से एट द एज ऑफ 8 मंथ, एट द एज ऑफ 8 मंथ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखने का तरीका बच्चों, 8 मंथ में बच्चा पैरासूट रिफ्लेक्स अपियर करता है, 8 मंथ का बच्चा जब पैरासूट से गिरेगा तो चिल्लाएगा दादा मम्मी, ये वर्ड जो है इसको डिस या डाइसेलेबल वर्ड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। भूलना मत कभी, भूलना मत कभी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना कि टू मेंटेन क्लीनिनेस ऑफ द बैग, ये एक बैग टेक्निक एमसीक्यू है, CHN से पूछ रहा हूं, CHN से पूछ रहा हूं बच्चों कि टू मेंटेन क्लीनिनेस ऑफ द बैग इट्स कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नर्स डू। मैं लिखा है
क्लीनिनेस ऑफ बैग को बनाए रखने के लिए डियर नर्स क्या करेगी? यू नो कम्युनिटी बैग, यू नो कम्युनिटी बैग, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू योगेश जांगीर, शुक्रिया माय डियर। कम्युनिटी बैग की मैं यदि बात करूं, जब हम कम्युनिटी पोस्टिंग में जाते हैं तो हम बैग को रखते, तो बैग की क्लीनिनेस को मेंटेन रखने के लिए डियर नर्स को क्या करना चाहिए? व्हाट शी विल डू, व्हाट शी विल डू, ऑप्शन में लिखा हुआ है वॉश हिज और हर हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द फैमिली मेंबर। बी में लिखा इन केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स एज मच एज पॉसिबल यूज ओनली आर्टिकल टेकन फ्रॉम द बैग। सी में लिखा पुट ऑन एन एप्रन to protect her uniform and fold it with the right side out before putting it back into the bag. Or D likha hai, at the end of visit, fold lining on which bag was placed, ensuring that contaminated side is on outside. Soch ke answer dena re badmaas bachcho. Maine pucha hai, bag ko cleanliness ke maintain karne ke liye, dear nurse ko kya karna zaruri hai? ये क्वेश्चन आपसे पूछा, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, गलत नहीं होना चाहिए बदमाश बच्चों, बहुत इजी एमसीक्यू है, बहुत इजी एमसीक्यू, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। ए ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया, बच्चों क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एब्सोल्युटली ए इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली ए इज द राइट आंसर, बिकॉज हमें अपने हैंड को वॉश करना है उस बैग के यूज के बाद, केयर डिलीवर करने के बाद भी और पहले भी, जिससे बैग को हम मेंटेन, बैग की क्लीनिनेस को मेंटेन रख सके, बैग को इन्फेक्टेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड डू हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर केयर ऑफ द फैमिली मेंबर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्री मैच्योर डेथ इन द सिज़ोफ्रेनिया। देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लोग सिज़ोफ्रेनिया की वजह से प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, मतलब आपकी डेथ जो है वो टाइम से पहले हो जाता है ड्यू टू सिज़ोफ्रेनिया। मैंने आंसर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर डेथ इन सिज़ोफ्रेनिया, वो कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से पेशेंट को प्री मैच्योर डेथ हो सकती है इन सिज़ोफ्रेनिया। मैंने लिखा बच्चों होमिसाइड, होमिसाइड लिखा है, सुसाइड लिखा है, टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग लिखा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन लिखा है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा कॉज है जिसके, कौन सा कॉज, यदि पेशेंट को सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से पेशेंट को कौन सा कॉज है जो डेथ करवा सकता है, डेथ करवा सकता है, और जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर, प्री मैच्योर डेथ इन सिज़ोफ्रेनिया। सोच के आंसर देना बदमाश, तो सोच के आंसर देना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर डेथ इन सिज़ोफ्रेनिया, होमिसाइड, सुसाइड, टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी आंसर पुट किया है, क्योंकि सुसाइड वर्ड बड़ा कैची वर्ड लगता है ना, कुछ भी होता है सुसाइड कर लेंगे, अरे कहां जाओगे करके सुसाइड, है ना, सुसाइड करना इज नो सॉल्यूशन, बट यहां पर आंसर यही है, आपका आंसर भी यही है सुसाइड। देखिए मैंने यहां पर कुछ मेंशन किया बच्चों, सुसाइड जो है मोस्ट कॉमन कॉज है प्री मैच्योर डेथ, अराउंड 5-10% पेशेंट विथ सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया। तो देख सकते हो बच्चों घर में यदि किसी को सिज़ोफ्रेनिया है, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, और डिप्रेशन जाके पेशेंट क्या कमिट कर लेता सुसाइड, क्या कमिट कर लेता सुसाइड। मैं आपको भी कहना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सुसाइड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, सुसाइड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, गॉड एंड योर फैमिली दे ऑलवेज गिव यू टास्क टू फाइट इट, टू विन इट एंड टू रन। हमेशा ध्यान रखना, सुसाइड करना किसी बीमारी और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हम इस धरती पे आए हैं, हर मुसीबत पे हमारे सामने टास्क होगी, नई नई मुसीबतें होगी, और उससे लड़के आगे बढ़ना ही जिंदगी है, और जब तक मुसीबतें नहीं आएगी तो आप मजबूत कैसे बनोगे। तो क्विट करना कायर का काम होता है, जिसकी हिम्मत नहीं सामना करने की। और यदि आप सच हो ना बच्चों, आप दुआ करो भगवान से कि आपको पल पल टास्क मिले और आप इतने मजबूत बन जाएं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना सके।
लोग तरसते कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कुछ करने की, और भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपके पेरेंट्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि नर्सिंग तो आपने कर लिया, अब गवर्नमेंट नौकरी तक पहुंचना ये आपकी जवाबदारी है, उसको अडॉप्ट करिएगा और डूब जाइएगा, करिए शिद्दत से मेहनत और इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करके रहना बच्चों। तो मौका मिलता है खुश नसीब लोगों को जिंदगी में कुछ करने का बच्चों, और आपको भी मौका मिला है नर्सिंग करने के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करके और खुद को प्रूव करने का, यस आई हैव कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग इन माय लाइफ, देन यू कैन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैव, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने बेड होते, कितना आसान एमसीक्यू है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर डज हैव 6 to 10 बेड, 30 to 50 बेड और 2 to 4 बेड और 10 to 15 बेड। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने पीएचसी का पूछा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने बेड्स होते हैं। शुक्रिया मनोज कुमार शर्मा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने बेड्स होते हैं। 6 से 10 होते हैं, 30 से 50 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 10 से 15 होते हैं, और ये रिपीटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू बच्चों जो कई बार पूछा जा चुका। योगेश जांगिड़ डोनेटिंग 29 rupees टू द JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू योगेश फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द JINC स्टूडेंट। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, पीएचसी का पूछा है, मैं सभी पीएचसी का बताऊंगा, सीएचसी का बताऊंगा, बट मुझे आप एक बार आंसर पुट करें, पीएचसी में कितने बेड होते हैं नॉर्मली। 6 से 10 होते, 30 से 50 होते, ऑलमोस्ट बच्चों ने 6 से 10 लिखा। मैं बताना चाहता हूं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पूछेंगे तो 6 to 10 बेड्स होते, बट पीएचसी के बाद सीएचसी आता है, सीएससी के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाओगे 200 से 300 बेड मिलेंगे, तालुका तहसील लेवल पे जाओगे तो 50 से 200 बेड मिलेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का पूछा जाता है 30 टू 50 बेड, क्योंकि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट वो कौन होता है बच्चों, दैट वी कैन से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और फर्स्ट रेफरल यूनिट पे आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको 30 से 50 बेड वहां पर मिलेंगे। ये बेड कैपेसिटी है, और मैं बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी प्लान टू इंक्रीज बेड कैपेसिटी, टू इंक्रीज बेड कैपेसिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो याद रखना ये पर्टिकुलेशन क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉरवर्ड करने से पहले बच्चों, डिजिटल क्रांति, मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो डिजिटल क्रांति में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आप लोगों ने जो कोर्स को परचेज किया है, मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता बच्चों। अनबिलीवेबल, अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं बच्चों भरोसे का दूसरा नाम JNC है, और वो आपने प्रूव कर दिया कि हम इंतजार कर रहे थे सब इस गुड न्यूज का, और हमने लगातार परचेज किया। देखिए डिजिटल क्रांति, घर बैठे पढ़े, घर बैठे बिना इंटरनेट, सबसे खास बात इसमें कोर्स में आपको इंटरनेट की जरूरत का झंझट खत्म। वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो छोटे से छोटे कस्बों में रहते हैं, जहां फैसिलिटी लाइट की भी नहीं है, इंटरनेट की भी नहीं है, और वो बच्चे यहां पर इस कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। पेनड्राइव कोर्स का नाम है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है, और 4 पेनड्राइव आपको मिलेंगे, और इस 4 पेनड्राइव के अंदर बच्चों लगभग 1200+ रिकॉर्डेड क्लास होगी, 1200+ जो है वो रिकॉर्डेड क्लास होगा, और खास बात है ये क्लास जो है रिकॉर्डेड बाई JINC ए टीम का मतलब हर किसी बच्चे का सपना होता है कि JNC जोधपुर में जाके उन टीचर से पढ़ूं जिन्होंने आज इंडिया के कोने कोने में हजारों सिलेक्शन दिए हैं, फेस टू फेस पढ़े, उन्हीं टीचर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये कोर्स है बच्चों। JINC ए टीम के द्वारा रिकॉर्ड किया गया कोर्स है, और इसमें कंप्लीट कोर्स के साथ बच्चों यूनिट टेस्ट भी है, कंप्लीट कोर्स के साथ बच्चों यूनिट टेस्ट भी अवेलेबल है, और ये कोर्स 999 में अवेलेबल है, और ये ऑफर याद रखना 25 सितंबर तक ही रहेगा, फिर इसका प्राइस 14,500 जाएगा। तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कम टू ज्वाइन JINC जोधपुर पेनड्राइव कोर्स। आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं बच्चों। ये ऑफर याद रखिएगा, 25 सितंबर के बाद कोर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ओके फाइन, तालुका का मतलब होता है रेशो, तहसील सुना है, तहसील सुना ना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तहसील लेवल की बात कर रहा हूं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following is the most preferred route administration in an unconscious patient?
मतलब पेशेंट जो है वो अनकॉन्सियस है और इस पेशेंट को हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, तो मोस्ट प्रिफर्ड रूट कौन सा होगा? थोड़ा सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड रूट एडमिनिस्ट्रेशन इन एन अनकॉन्सियस पेशेंट। क्या हम इनहेलेशन रूट के द्वारा दे सकते हैं, क्या हम एंट्रल रूट के द्वारा दे सकते हैं, क्या हम ऑरल रूट के द्वारा दे सकते हैं, या हम पैरेंट्रल रूट के द्वारा ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं? बच्चों देखिए, इनहेलेशन एंट्रल से याद रखना इनटू द जीआई ट्रैक्ट, ऑरल से भी याद रखना इनटू द जीआई ट्रैक्ट, और पैरेंटल से याद रखना आईवी हो सकता है, आईएम हो सकता है। ये कौन से रूट है? पैरेंट्रल है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। मैंने पूछा है कौन सा मोस्ट प्रीफर्ड रूट होता है अनकॉन्सियस पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करने का, तो बच्चों चार ऑप्शन। हम इनहेलेशन के द्वारा सब्सटेंस को इनहेल करवा सकते हैं क्या, क्या हम जीआई सिस्टम में एंट्रल और ओरल रूट के द्वारा दे सकते हैं, या सीधा उस पेशेंट को आईवी या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस या इंट्रा आर्टेरियल या डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेरेंटल रूट है क्या हम उससे दे सकते हैं? ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर डी आंसर पुट किया, डेफिनेटली राइट आंसर, दैट इज अ पेरेंटल। बिकॉज अनकॉन्सियस का मतलब होता है इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच पेशेंट इज अनेबल टू गिव रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट कंडीशन present from few seconds, few minutes, few hours, that is unconsciousness. और इस condition में patient को treat करना होगा तो हम parental route को prefer करते हैं बच्चों, parental route को prefer करते हैं, never given by the oral or enteral even inhalation route. It may be can cause complication. Okay, thanks India to trust on JINC Jodhpur. Next question क्यों for carry on करते हैं बच्चों। Question कहता है कि baby stand with support at एज, बच्चा सपोर्ट के साथ स्टैंड लिखा है, पहले वाले मैंने सिट पूछा था बैठ सकता है, अब मैंने पूछा है कि बच्चा सपोर्ट के साथ, बेबी स्टैंड विद सपोर्ट, कौन सी एज में बच्चा सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है, कौन सी एज में बच्चा सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है? पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था सिट, बैठने का पूछा था, यहां थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन में 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, अरे बड़ा आसान एमसीक्यू होगा बच्चों, बट मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा एग्जाम के पर्पज ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखिएगा बच्चों। क्विक लिखिएगा, बेबी स्टैंड विद सपोर्ट एट द व्हाट इन विच एज, 9 मंथ बच्चे लगातार लिख रहे हैं, 9 मंथ जो है आपका राइट आंसर यहां पर मिल रहा है, या डेफिनेटली 9 मंथ राइट आंसर। और कैसे होगा 9 मंथ मैं बताना चाहता हूं, एक बड़ा क्यूट सा बच्चा आपको दिख रहा होगा, और सबसे पहले मिला 9 को उल्टा करें तो पी होता है, ये आपका 9 हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो पी होता है, याद रखने का तरीका 9 को उल्टा करेंगे तो पी, याद रखना पी लगता है, और पी से याद रखना पिंसर इमेच्योर ग्राफ्स, और पिंसर इमेच्योर ग्राफ्स जो है ये भी 9 मंथ में डेवलप होता है। एक क्वेश्चन यहां मिला, एक क्वेश्चन यहां मिला, मैंने क्या किया 9 जो था उसका उल्टा कर दिया पी, और पी से याद रखना पिंसर इमेच्योर ग्राफ्स, और ये कब डेवलप होता है 9 मंथ में। दूसरा देखिएगा 10 मंथ में रेडियल डिजिटल ग्राफ्स, 10 मंथ में दैट गोइंग टू बी डिजिटल ग्राफ्स डेवलप हो जाती है, और 10 to 12 मंथ में मैच्योर पिंसर ग्राफ्स पूरी तरीके से डेवलप। पहले इमेच्योर हुआ 9 मंथ में, 10th में थोड़ा सा डिजिटल हुआ, और 10 to 12 मंथ में मैच्योर पिंसर ग्राफ्स डेवलप हो जाती है। दूसरा देखिएगा 9B भी बन सकता है, 9 जो है इसको हम बी बना सकते हैं, और बी से याद रखना बाय बाय, बी से याद रखना बाय बाय, व्हेन द बेबी कैन से बाय बाय, व्हेन द बेबी कैन से बाय बाय, आंसर क्या लिखोगे 9 मंथ, आंसर क्या लिखोगे 9 मंथ। सौरभ चित्तोड़ा डोनेटिंग 40 rupees टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू सौरभ फॉर ए लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर से बता रहा हूं, 9 को बी बना सकते हैं, बी बन जाता है, और बी से याद रखना बाय बाय, बी से याद रखना बाय बाय एट द एज ऑफ 9 मंथ। अगेन देखिएगा, जब हम 9 को लिखेंगे तो ये खुद अकेला खड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको क्या चाहिए बच्चों, सपोर्ट, क्या चाहिए सपोर्ट, और दैट वी कैन से बेबी
स्टैंड विथ सपोर्ट, मैंने लिखा नो खुद खड़ा नहीं हो सकता है, तो नाइन को खड़ा करने के लिए हमने सपोर्ट दिया, तो स्टैंड विथ सपोर्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा, नाइन जो है कैन नॉट स्टैंड विदाउट सपोर्ट, तो इसके साथ हमने सपोर्ट दिया, तो इससे याद रखना बच्चा खुद जो है वो खड़ा हो सकता है, खुद खड़ा नहीं हो सकता है, नाइन बिना सपोर्ट खड़ा नहीं होगा, सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है और क्राउल भी कर सकता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, क्राउल भी कर सकता है, ये क्राउलिंग का आपको फोटो दिख रहा होगा, बेबी डूइंग क्राउलिंग। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमें याद करने होते हैं, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हमें याद करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को लंबे समय तक याद करना है, गजनी नहीं बनना है, गजनी नहीं बनना है, हमें रिमेंबर करने की कैपेसिटी को डेवलप करना होगा, और उसके लिए डिफरेंट वे डिटेक्ट करने पड़ते हैं, देन ओनली वी कैन एबल टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैंने क्लियर लिखा बच्चों, नाइन को उल्टा लिखेंगे तो पी होगा, पी से पिंसार इमैच्योर ग्राफ्स याद रखना, 10 मंथ में रेडियल डिजिटल ग्राफ्स डेवलप हो जाता है, 10 टू 12 मंथ में मैच्योर पिंसार ग्राफ्स, 9 बीबी बन जाता, तो बाय बाय याद रखिएगा, 9 खुद खड़ा नहीं रह सकता तो सपोर्ट चाहिए, स्टैंड विद सपोर्ट, और 9 महीने का बच्चा क्राउल भी कर सकता है, क्राउल भी कर सकता है, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कंप्राइज ऑफ, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कंप्राइजेस या कंपोजिशन या कंसिस्ट ऑफ बोल सकते हो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बी देखिएगा, एलोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सी में आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और डी में लिखा एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मैंने पूछा बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। थैंक यू, इट्स ओके अनिता, रिलैक्स माय डियर। मैंने क्लियर लिखा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कंपराइजेस ऑफ, किस किस से बन के मिल के बना होता है, हम वी कैन से कंपोजिशन ऑफ बोल सकते हैं, कंपराइजेशन ऑफ बोल सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ बोल सकते हैं। आयुष का फुल फॉर्म यहां पर पूछा है, वो आपको आंसर लिखना होगा, क्विक आंसर लिखना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इट्स ओके कावेरी सिंह, कावेरी सिंह ओके, वेलकम इन जेएनसी फैमिली। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्या बात, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही लिखा, बिकॉज आयुष जो है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, एंड होम्योपैथी ये चार एलिमेंट्स है जिसको हम आयुष कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दैट वी कैन से ओनली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, बिल्कुल ओके फाइन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करता बच्चों, आपके अपने JINC गुरुकुल जोधपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, और ये ऑफलाइन बैच जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ बच्चों, इसका टाइम रहता है 3 to 7 PM का, इसका ड्यूरेशन है बच्चों 6 मंथ का, 6 मंथ ना, क्लासेस जो है वो 30 डेज में 30 डेज है, और हर वीक को वीकली टेस्ट होगा। प्राइस इस कोर्स की फीस है ₹22,000। इस 22,000 में आपको 5 बुक्स मिलेगा, 5 बुक्स मिलेगा, एक आपको बच्चों बैग मिलेगा, एक आपको JINC की टी शर्ट मिलेगी, रंग जाओगे JINC के कलर में, और आप ऑफलाइन JINC गुरुकुल में बैठ के JINC के कोर टीम से स्टडी कर सकते हो और अपने सपनों को 4 चांद लगा सकते हो। तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कम टू ज्वाइन JINC। बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, फीस ₹6,000 per month है बच्चों, और लाइब्रेरी जो है वो फ्री अवेलेबल है, जहां आप बैठ के स्टडी कर सकते हो। और सिंपल तरीका है एडमिशन लेने के लिए, 9636032691 पे आप फोन पे और पेटीएम करके अपने सीट कंफर्म कर सकते हो बच्चों, ओके फाइन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एपाइकल रेट इज 99 बीट्स पर मिनट विद द रेडियल रेट 74 बीट्स पर मिनट, व्हाट इज द पल्स डेफिसिट। एग्जैक्टली इन्होंने कंडीशन देके पूछा है कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पेशेंट का पल्स डेफिसिट कितना आएगा, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पर्सन का पल्स डेफिसिट कितना आएगा, पल्स डेफिसिट कितना आएगा, आपको क्विक आंसर पुट करना। ए राइट होगा बच्चों, नो चेंज, ए ही राइट होगा, फटाफट आंसर पुट करना है। मैंने लिखा 20, 25, 30 or 35। मुदाशिर मट्टू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लव यू टू माय डियर, थैंक यू सो मच।
ये कश्मीर के बच्चों का डिमांड था कि सर सेकंड यहां पर 2G नेटवर्क है, बहुत सारे बच्चे कश्मीर से JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष कर इस डिजिटल क्रांति को लॉन्च किया था बच्चों। दिस इज फॉर यू, उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं बट मुश्किलें बहुत थी, कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की। बच्चों पल्स डेफिसिट मैं बताना चाहता हूं, पल्स डेफिसिट का मतलब हुआ एपाइकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, ये फॉर्मूला है, अपाइकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, दैट वी कैन से पल्स डेफिसिट, दैट वी कैन से, इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग पल्स डेफिसिट, इसी को हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट। अब आपके सामने मैंने इस क्वेश्चन को पूछा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही आंसर पुट करोगे। तो क्या होगा आपका पल्स डेफिसिट 25 ज्यादातर बच्चों ने लिखा है, या एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं, हम एपाइकल पल्स की बात करें, हम एपाइकल पल्स की बात करें, इसको हम बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट पल्स, एग्जाम का क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट पल्स। दूसरा इसी को बच्चों हम बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम इंपल्स पल्स, और इसी पल्स को चेक जस्ट 1 मिनट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन, एग्जाम का क्वेश्चन, डिगॉक्सिन को एडमिनिस्टर करने से 1 मिनट पहले हम कौन सी पल्स को चेक करते हैं, अपाइकल पल्स, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं सेंट्रल पल्स। एक और क्वेश्चन, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल पल्स, और ये जितने टर्म्स मैंने आपको पुट किए ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। एपाइकल पल्स को हम कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट पल्स, एपाइकल पल्स मैक्सिमम इंपल्स पल्स, एपाइकल पल्स भी हो सकते हैं मोस्ट कॉमन, ध्यान से देखना, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेंट। एक और क्वेश्चन बन गया बच्चों, 1 साल के बच्चे की पल्स को मॉनिटर करना होगा तो हम कौन सी पल्स को मॉनिटर करेंगे, अपाइकल पल्स, कौन सी पल्स को मॉनिटर करेंगे, अपाइकल पल्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, मोस्ट एक्यूरेट, मैक्सिमम इंपल्स पल्स, सेंट्रल पल्स, देन मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट, और डिगॉक्सिन ड्रग को एडमिनिस्टर करने से 1 मिनट प्रायर कौन सा पल्स चेक करते हैं, तो आंसर लिखना बच्चों अपाइकल पल्स। थैंक यू RS हेल्थ केयर डोनेटिंग 39 rupees टू द JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच माय डियर। एक और खास बात, रेडियल पल्स जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट टू मेजर पल्स इन अडल्ट, पल्स डेफिसिट लिखा मैंने बच्चों एपाइकल रेट स्टेथोस्कोप से देखना है माइनस रेडियल पल्स या रेडियल रेट, तो ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 unit ऑफ प्लेटलेट इंक्रीज द काउंट बाई, देखिए बच्चों आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, आजकल डेंगू जो है जिसको हम क्या कहते हैं बॉन ब्रेकिंग फीवर, बॉन ब्रेकिंग फीवर सुना है बच्चों, हड्डी तोड़ बुखार तो सुना होगा जिसमें बॉन पेन बहुत होता है, बॉन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं, दैट वी कैन से डेंगू। तो बच्चों बॉन ब्रेकिंग जो फीवर है उसी को डेंगू कहते हैं। डेंगू वाले पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट। डेंगू वाला पेशेंट होगा इसको क्या होगा बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट, दैट इज अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके फाइन, तो हमने पूछा कि 1 unit प्लेटलेट कितना प्लेटलेट बढ़ाता है, 2000 से 5000, 5000 से 10000, 10000 से 15000, 15000 से 20000, 20000 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये 4 MCQ आपके सामने है, सॉरी 4 ऑप्शन आपके सामने, एक राइट को चूज करना बच्चों। 1 unit प्लेटलेट हम किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो कितना काउंट प्लेटलेट का बढ़ेगा बच्चों, आपको आंसर पुट करना। ज्यादातर बच्चों ने 5000 से 10000 लिखा, जो सही आंसर है आपका बी राइट आंसर है। मैं 2 बात क्लियर करना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लेटलेट 2 टाइप्स का होता है और दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज ऑफ से, मैंने लिखा है यहां पर RDP, आपने RDP और SDP सुना होगा, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट
are prepared from the donated blood within 4 to 6 hours of collection by the centrifugation. Random donor का मतलब होता है किसी ने भी ब्लड को डोनेट किया, किसी ने भी ब्लड को डोनेट किया, उस ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता अलग करना आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को. सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में जो प्लेटलेट बनेगा उसको हम आरडीपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा. आरडीपी एसडीपी क्या होता है बताना चाहता हूं. रैंडम डोनर प्लेटलेट जो है वो हम किसी भी पर्सन से ब्लड को लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, प्लेटलेट बनाएंगे, दैट वी कैन से आरडीपी. और एसडीपी देखिएगा दैट सिंगल डोनर दैट वी कैन से प्लेटलेट आर प्रिपेयर बाय द प्लेटलेट. देखिए सिंगल डोनर का मतलब होगा जो सेम ब्लड ग्रुप का पर्सन है उससे ही हम प्लेटलेट लेंगे. तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा ये भी एग्जाम के पर्पज ऑफिस इंपॉर्टेंट है. मैंने क्लियर लिखा है 1 unit SDP इज इक्वलेंट टू द 5 to 10 unit RDP. मतलब एसडीपी जो है सिंगल डोनर प्लेटलेट आर मोर इफेक्टिव देन द रैंडम डोनर प्लेटलेट. याद रखिएगा बदमाश बच्चों, रैंडम मतलब किसी से भी, सिंगल का मतलब उसी पर्सन से जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो, दैट वी कैन से सिंगल डोनर ब्लड. याद रखिएगा सिंगल डोनर प्लेटलेट. और एसडीपी जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है. एक एसडीपी 5 to 10 RDP के बराबर होता है. तो ज्यादा इफेक्टिव कौन हुआ? एसडीपी हुआ बच्चों. और याद रखना 1 unit किसी को भी हम चढ़ाते हैं तो टोटल प्लेटलेट जो नॉर्मली 1.25 से लेके 4.5 लाख हम पड़ते हैं, ये नॉर्मल प्लेटलेट होता है. और इस प्लेटलेट में लगभग 5,000 से लेके 10,000 इसका काउंट बढ़ेगा. कब? जब हम 1 unit प्लेटलेट, और मैं बता देता हूं 1 unit प्लेटलेट किसी पेशेंट को जब एडमिनिस्टर करेंगे तो इतना अमाउंट बढ़ेगा बच्चों. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ मेल क्लाइंट विद COPD. डिलीवर ए प्रीशियस ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन. Which of the following type of oxygen delivery system would the nurse anticipate to the prescribe? कौन सा type of oxygen delivery system anticipate करेगा? COPD. बता देता हूं बच्चों, COPD जो है chronic obstructive pulmonary disease है, जिसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं. एक हम पढ़ते हैं chronic bronchitis और दूसरा हम पढ़ते हैं emphysema. और इन दोनों डिजीज को हम कहते हैं COPD. और COPD वाले पेशेंट का क्वेश्चन पूछा है कि एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब फॉर द मेल क्लाइंट COPD टू डिलीवर प्रीशियस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम वुड बी द नर्स एंटीसिपेट टू बी प्रिस्क्राइब. ये वेंचुरी मास्क वाले बच्चों पहले आंसर देख लो. आपको वेंचुरी मास्क का क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो भी बताऊंगा. मैंने फेस स्टैंड लिखा है, वेंचुरी मास्क लिखा है, एरोजल मास्क लिखा है और ट्रेकियोस्टोमिक कॉलर लिखा है. अब आपको आंसर पुट करना है. वेंचुरी मास्क जरूर लिखा मैंने बच्चों, और ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर वेंचुरी मास्क आंसर भी लिखा है. बिल्कुल देखिए, वेंचुरी मास्क जो है मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर COPD. वेंचुरी मास्क में जब आप ऑक्सीजन दोगे डज नॉट मोर देन 4 liter पर मिनट. वेंचुरी मास से जब आप ऑक्सीजन दोगे तो 4 लीटर से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि वेंचुरी मास नॉर्मली 3 से 15 लीटर तक आप पर मिनट नॉर्मली ऑक्सीजन दे सकते. बट हम यदि COPD वाले पेशेंट की बात करेंगे कि COPD वाले पेशेंट का बेस्ट मेथड, मोस्ट कॉमन की जगह कभी कभी ऐसा भी लिखा आ सकता बच्चों, बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर O2 पेशेंट सफर विद द COPD, तो भी आपको आंसर वेंचुरी मास लिखना है. नॉर्मली वेंचुरी मास से आप 3 से 15 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हो, बट COPD वाले पेशेंट को जब ऑक्सीजन दोगे तो 4 लीटर से ज्यादा नहीं देना है. अदरवाइज पेशेंट को एटेलेक्टसिस हो जाएगा बच्चों, संगीता 1 to 2 liter बच्चे नेजल कैनुला से देते हैं. 1 to 2 liter बच्चों नेजल कैनुला से देते हैं. रट्टू तोता मत बनो, क्वेश्चन को समझो, रट्टू तोता मत बनो. जब भी नेजल कैनुला लिखा आता है तो 2 liter लिखना. मैंने यहां वेंचुरी मास्क की बात की है, मैंने हंस
हंसन बेटा पढ़ना सीख रही मेरा बच्चा। मैंने यहां वेंचुरी मास की बात करी है, यदि यहां मैं लिखता नेजल कैनुला, यहां मैं लिखता नेजल कैनुला तो आपका आंसर सही होता, आप लिखते नॉट मोर देन 2 लीटर, तो आप लिखते नॉट मोर देन 2 लीटर, तब आपका आंसर मैं सही मानता बच्चों। ये कब की बात कर रहा हूं, जब हम नेजल कैनुला से देंगे, हम नेजल कैनुला से देंगे और नेजल कैनुला नॉर्मली 1 to 6 लीटर दे सकता है, 1 to 6 लीटर दे सकता है। My loving future nursing officer, बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचने से पहले लाइक की थ्योरी बड़ी राइट नाउ, फटाफट क्लास को लाइक करें और क्लास को कैरी ऑन करते बच्चों, डू इट एवरीबडी। लगभग 1600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक इट एवरीवन। द नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर प्रायोरिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेन यू कम टू ज्वाइन JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल, सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, लाइक करना होता है। योर लाइक इज वर्क एज अ कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट जरूर दीजिएगा अपने टीचर को, टीचर मेक मोर एनर्जेटाइज और आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेगा। यहां ये हुई ना बात, ये हुई ना बात बच्चों, 1600 प्लस बच्चे जब क्लास को वॉच करें तो धमाका होना चाहिए बच्चों, लगना चाहिए कि इतनी बड़ी क्लास चल रही है और आप तो एक बटन दबाने में आप परेशान हो जाते हो। हैं? ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। ए नर्स इज अ कैरिंग फॉर द मेल क्लाइंट विद द एम्फाइजिमा। अब देखिएगा, पेशेंट को एम्फाइजिमा है, हु इज रिसीव ऑक्सीजन, द नर्स असिस्ट ऑक्सीजन फ्लो रेट टू इंश्योर दैट द डज नॉट एक्सीड। अब यहां पर मैंने किसी मेथड का नाम नहीं लिखा, यहां पर मैंने किसी मेथड का नाम लिखा, वही क्वेश्चन थोड़ा बदला। यहां पर मैंने कहा नर्स केयर करी मेल क्लाइंट को, एम्फाइजिमा है और ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है, नर्स जब पेशेंट के फ्लो रेट को असिस्ट करेगी, इंश्योर करेगी 1 लीटर 2 लीटर 6 लीटर 10 लीटर, कितना लीटर ऑक्सीजन उसको देना है, कितना लीटर ऑक्सीजन उसको देना है, 4 ऑप्शन। अब आप अपना वो आंसर लिखिएगा, अब आप अपना वो आंसर जरूर लिखिएगा जो लिख रहे थे बच्चों। देखिए मुदासिर, क्वेश्चन को पढ़े बेटा, क्वेश्चन को पढ़े माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 6 लीटर नहीं, जब कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए बच्चों फिर से समझा रहा हूं, गलत कर रहे हो। COPD वाला पेशेंट होता है, उसको हम 2 मेथड से ऑक्सीजन दे सकते हैं। एक बच्चों होता है नेजल कैनुला से O2 दे सकते हो, और दूसरा वेंचुरी मास्क से पेशेंट को O2 दे सकते हो। जब नेजल कैनुला से देते हो, नॉट मोर देन 2 लीटर देना है बच्चों पर मिनट। कब? नेजल कैनुला। जब वेंचुरी मास्क दोगे तो नॉट मोर देन 4 लीटर लिखना है बच्चों पर मिनट। अब आप ये दोनों मेथड का मैंने पुट किया है, अब आप राइट आंसर पुट करेगा। इजी एमसीक्यू, डोंट ट्राई टू मेक टफ एमसीक्यू बच्चों। तो आपका यह आंसर क्या राइट हो जाएगा, दैट वी कैन से 2 लीटर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिएगा। जो बच्चे JINC के नोट्स को परचेज करना चाहते हो, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग के नोट्स होंगे, एनक्लेक्स पैटर्न में दिए होंगे, इसमें बेसिक प्लस एनक्लेक्स के नोट्स है बच्चों, और नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट है, और इसको परचेज करने के लिए आपको 1600 रुपीज पे करना होगा। आप 9636032691 पे कर सकते हो, डायरेक्टली ऐप से वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और ये नोट्स अगले 4 to 6 आवर में आपके 4 to 6 डेज में आपके घर तक पहुंच जाएंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने कोशिश की डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट क्वेश्चन को लिया, और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप तक डिलीवर किया जहां पर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इट विल हेल्पिंग फॉर योर रिकॉल योर नॉलेज, और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको मदद मिलेगी। कल फिर मुलाकात करूंगा सुबह ठीक 10:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रेस्पेक्ट करेगा, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े और हंसते रहिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।